डियर स्टूडेंट्स वेलकम. आवर टूडेज टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ कंपोजिशन. कंपोजिशन का मीनिंग ते नाल नाल असीं इहदे विच अगों गल करांगे किहड़ियां किहड़ियां स्टेजेस ने इस प्रोसैस दे विच, दैन इहदियां फीचर्स. फस्ट असीं गल करांगे द मीनिंग. द मोस्ट ब्यूटीफुल आस्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रैशन. हुण जो लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, उहदा सब तो जिहड़ा ब्यूटीफुल आस्पैक्ट की है, सुंदर पक्ष की है, उहदा एक्सप्रैशन. क्योंकि इहदे नाल असीं अपने जिहड़े व्यूज़ ने ते अपने आप नूं असीं एक्सप्रैस कर सकते हैं. इट वॉज़ ओनली स्किलफुल एक्सप्रैशन. एक सिर्फ स्किलफुल एक्सप्रैशन है, मीनस स्किल होनी जरूरी है. विच क्रिएटेड शेक्सपियर, जिहड़े कि शेक्सपियर ने, कालीदास ने ते गालिब ने इहनूं क्रिएट कीती. अल्फाबैट्स आर द सेम. हुण जिहड़े अल्फाबैट्स ने उह सेम हुंदे ने, वर्ड्स आर द सेम, शब्द भी सेम हुंदे ने. दैन वॉट मेक्स अ रिटन पीस मीनिंगलैस और इंप्रैसिव, प्रोज और टची पोइट्री. मीनस वर्ड्स ते लैटर्स सारे सेम होंगे ने, अल्फाबैट सेम होंगे ने, बट वो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी किसी भी प्रोज है, पोइट्री है, उन्हों मीनिंगलैस जां इंप्रैसिव बनाती है, जां मीनिंगफुल बनाती है. द स्टाइल ऑफ एक्सप्रैशन, ऑफकोर्स की चीज़ है वो स्टाइल ऑफ एक्सप्रैशन, मीनस किस स्टाइल के नाल उन्हों वर्ड्स नू एक्सप्रैस किया गया है. द बेस्ट एक्सप्रैशन मीनस द बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर. हुण बेस्ट एक्सप्रैशन का की मीन होया कि बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स, बेस्ट ते अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करने ते बेस्ट ऑर्डर दे विच ही उन्हां नू लगाउणा है. नाउ डेफिनेशन. थॉमसन एंड वर्फ आल्सो एग्री द पावर ऑफ एक्सप्रैशन इन अ लैंग्वेज इज़ मैटर ऑफ स्किल रादर दैन ऑफ नॉलेज. मीनस की चाहिए, मेन स्किल चाहिए है. नॉलेज भावें घट हो बट जी स्किल है वह बहुत ज़्यादा जरूरी है. क्योंकि जे स्किल होएगी, हुनर होएगा, कला होएगी, तो ही जेडे वर्ड्स ने उन्होंने बेस्ट ऑर्डर के लगा सकते हैं. तो सब तो पहला उन्होंने जी चोन है, सिलैक्शन है, वह भी बेस्ट ते अप्रोप्रिएट होनी जरूरी है. नाउ द प्रोसैस ऑफ राइटिंग इनवॉल्वज फॉलोइंग फोर स्टेजेस. हुण जो राइटिंग है, कोई भी लिखत हुंदी है, उहदे विच जिहड़ियां फोर स्टेजेस ने इस प्रोसैस दे विच आउंदियां ने. फर्स्ट है स्ट्रक्चरिंग, मीनस स्ट्रक्चर, ढांचा, जो असीं लिखना चाहुंदे आ. सब तो पहला असीं उहदा जो स्ट्रक्चर है वह तैयार करना हुंदा है, फिर असीं उहनूं कंप्लीट करदे आ. फिर कॉपिंग, कॉपिंग मीनस उहनूं असीं कॉपी करदे आ, सही तरीके नाल असीं उहनूं लिखते हैं, क्योंकि कॉपी करना भी जरूरी है. जो असी स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर मेन है, तो असी उन्हों फिर फिल करना है. नेक्स्ट है ट्रांसक्राइबिंग. ट्रांसक्राइबिंग का मतलब कि कोई भी जो एक्ट है और प्रोसैस है उन्हों रीप्रजेंट करना. द एक्ट और प्रोसैस ऑफ रीप्रजेंटिंग समथिंग इन अ रिटन और प्रिंटेड फॉर्म इज़ कॉल्ड ट्रांसक्राइबिंग. मीनस जो असी साढ़े कोल थीम है उन्हों असी ने प्रेजेंट करना है, उन्हों असी ने प्रेजेंट करना है, पेश करना है, भावें असी रिटन फॉर्म दे विच करना है या फिर प्रिंटेड फॉर्म दे विच, उन्हों असी कहांगे ट्रांसक्राइबिंग. दैन कंपोजिशन. कंपोजिशन मीनस उन्हों इकट्ठा करना, तैयार करना, जो भी साढ़े कोल मटीरियल असी सोचा हुआ सी ते उन्हों असी ने एक फॉर्म दे विच लगाना, सही तरीके दे नाल उन्हों कंपोज करना. जिमें कि कोई भी जो सॉन्ग है लिखा जाता है तो वह की है कि उन्हों कंपोज करना कहिंदे ने. जिदा कि लास्ट जिहड़े वर्ड्स ने वह किवें मैच हो रहे हुंदे ने, मीनस सही तरीके नाल अरेंज करना. नैक्सट है साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपोजिशन. हुण जिहड़ी कंपोजिशन है इहदियां किहड़ियां किहड़ियां जिहड़ियां विशेषतावां हुंदियां ने जां जिहड़ियां साइलेंट फीचर्स होंदियां ने. फर्स्ट है एज टोल्ड अर्लीयर देयर आर फोर स्टेजेस ऑफ राइटिंग, नेमली स्ट्रक्चरिंग, कॉपिंग, ट्रांसक्राइबिंग एंड कंपोजिशन. सो इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग और राइटिंग प्रोसैस. मीन्स पहली विशेषता की है, पहली फीचर की है, जो ये चार स्टैप ने वो सेम ही है कि स्ट्रक्चर करना है, कॉपिंग करना, ट्रांसक्राइबिंग ते कंपोजिशन. ते लास्ट स्टेज है किसी भी चीज़ नू लर्न करन दी जां राइटिंग प्रोसैस जिहड़ा उस चीज़ की. एज इट इज़ एन
एडवांस्ड स्टेट ऑफ लर्निंग, स्टेज आएगा एडवांस्ड स्टेज ऑफ लर्निंग और राइटिंग प्रोसेस। हुण एक एडवांस्ड स्टेज है मीन्स जिन्हों से मॉडर्न कह लिए, मीन्स जिन्हों यूज़ करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लर्निंग और राइटिंग प्रोसेस। भावें असी लर्न कर रहे हैं भावें असी कुछ लिख रहे हैं, वह प्रोसैस का एक ही एडवांस्ड स्टेज है। ऑफ इट डज नॉट नीड टू यूज़ और हैल्प टू द टैक्सट बुक। हुण कोई ये जिहड़ी डज नॉट नीड द यूज़ और हैल्प ऑफ द टैक्सट बुक, ये सानू किसी भी जिहड़ी टैक्सट बुक है वो जरूरत नहीं पैंदी, क्योंकि जदों कुछ भी कंपोज किया जाता है, लिखा जाता है, तो वह व्यक्ति दे जो इंटरनल वो फीलिंग्स होंदिया ने। कंपोजिशन एक्सप्रैस पीपल्स आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, ऑब्जरवेशंस एंड एक्सपीरियंसिस इन अ सिस्टमैटिक ऑर्गनाइजेशन। हुण कंपोजिशन की है, वह की एक्सप्रैस करती है बच्चे के आइडियाज़, अलग अलग तरह के थॉट्स होंगे ने, सब दी फीलिंग्स अलग अलग होंदी हैं, फिर जो ऑब्जर्व करते हैं सब का वेखन का जो नज़रिया अलग अलग होंगे, एटीट्यूड अलग अलग होंगे, तो सब के अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे ने, तो इन चीज़ों एक सिस्टमैटिकल ऑर्गनाइजेशन दे विच वे करना, कोई भी वे सिस्टमैटिकल वे दिखना है, वो की है बच्चे उन्हों कंपोज करनगे, लिखनगे। जे असी बच्चे उन्हों कहा, असी बच्चे उन्हों पार्क दे विच लेके गए, असी बच्चे उन्हों कहने कि तुसी हाँ जी तुसी उत्थे की कुछ देखिया उहदे बारे लिखो, तो सारे बच्चे जिहड़ा लिखण दा ढंग है सब दे आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स ते ऑब्जरवेशन ते एक्सपीरियंस अलग अलग होणगे। नैक्सट है कंपोजिशन इनवॉल्व इज़ द प्रोसैस ऑफ कलैक्टिंग आइडियाज़, थॉट्स एंड इनफॉर्मेशन। हुण कंपोजिशन दे विच की कुछ इनवॉल्व हुंदा है, प्रोसैस ऑफ कलैक्टिंग आइडियाज़, आइडियाज़ कलैक्ट करन दा प्रोसैस, थॉट्स कलैक्ट करन दा ते इनफॉर्मेशन कलैक्ट करन दा, एंड अरेंजिंग दैम, ते उन्हां फिर अरेंज भी करना है। ये नहीं हुंदा भी किसी आइडियाज़ थॉट्स ते जिहड़ी इनफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, बट असी उन्हों अरेंज भी करना है, मीनस असी उन्हों सिस्टमैटिकल वे नाल ऑर्गनाइज़ करना है, तो उन्हों सही तरीके नाल लगाना है, ता जो असी जो बेस्ट एक्सप्रेशन दे सकीए, क्योंकि बेस्ट एक्सप्रेशन कदों दी जाएगी जदों असी वर्ड्स पहला सही तरीके से चूज़ करांगे तो फिर उन्होंने बेस्ट ऑर्डर दे विच लगावांगे। नैक्सट है इट इनवॉल्व्स एवरी काइंड ऑफ राइटिंग। हुण ये सारे तरह की जिहड़ी राइटिंग वो इनवॉल्व है, वैदर प्रोज और पोएट्री, भावें प्रोज है भावें पोएट्री है, लाइक एसे, लैटर, स्टोरी, डायलॉग, पोइम, सारे दे विच जिहड़ी कंपोजिशन है वो सारे दे विच ही कम आती है। नैक्सट है कलैरिटी, टीयरनेस, सॉरी टर्सनेस, अप्रोप्रिएटनेस, ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनैलिटी ते इफेक्टिवनेस ऑफ ए सबजैक्ट। जो भी असी सबजैक्ट मैटर लियाए, मीनस जिहड़ी थीम असी लई है ओदे विच ओ क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होवे, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए ओदे विच, ये मेन ओदे आस्पेक्ट्स ने, तां जो जिहड़ी इन्हां सारे नूं मिला के एक जिहड़ी कंपोजिशन आ वो इंप्रेसिव बन सकती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मीनिंग ऑफ कंपोजिशन ते साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपोजिशन तुहानूं सही तरीके नाल समझ आ गया होएगा। फिर भी तुसी मैनूं कमेंट कर सकते हो, तां मैं जो नैक्सट टाइम तो अपने आप नूं इंप्रूव कर सकां। थैंक्स फॉर वॉचिंग।